आज मैं प्रेयर कर रहा हूं कि जो वचन आपको मैं देने जा रहा हूं आप उसे समझ सके, क्योंकि उसे समझने के लिए आपको टोटल एक ग्रेस चाहिए परमेश्वर की, और उसे समझने के लिए फायर चाहिए, और आपकी आंखें आज खुली और आपका दिमाग खुला और आपके अंदर एक मेडिटेशन प्रेयर चलनी चाहिए कि परमेश्वर तेरा वचन जो मैं सुन रहा हूं वो मेरी जिंदगी में काम आए और फल लेके आए। आमीन। इसको छेड़ना नहीं है जब तक मैं बोलू ना। जोर से बोलू हालेलुया। कभी तकड़ी देखी है ना? हाँ, अगर सब्जी भारी हो तो इधर का नीचे आ जाता है, अगर वो बट्टा भारी हो तो इधर का नीचे आता है। हाँ या ना? जो चीज भारी हो वो चीज नीचे आती। हाँ या ना? आपकी स्पिरिट आपके लाइफ में या तो आपकी स्पिरिट भारी रह सकती है या आपकी बॉडी भारी रह सकती है। इसीलिए उन लोगों की बीमारी उनके लिए असली है जिनका शरीर भारी है। इसलिए मैं कह रहा हूं आज आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा बहुत। अगर आपका शरीर भारी है यानी आप में आत्मा की बातों का असर कम है और आपका शरीर भारी है तो आपको बीमारियां और आपको गरीबी असली लगेगी और परमेश्वर का वचन आपको नकली लगेगा। क्यों? क्योंकि आप इस हिस्से की ओर हो जहां शरीर भारी है। जब शरीर भारी है आपको वही दिखेगा जो शारीरिक आंखें दिखाना चाहती हैं। और जब आप इधर हैं आत्मा की तरफ हैं, जब आत्मा का पलड़ा भारी है तो आपको वो दिखेगा जो बाइबल कहती है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा। वो तभी सभी की लाइफ में पूरा नहीं होता, क्योंकि अगर शरीर वाला पलड़ा भारी है तो आत्मा वाली चीजों का फायदा आप नहीं उठा सकते हैं। आगे बढ़ूं, समझ आ रही है कि नहीं? एक दिन पवित्र आत्मा ने जब मुझे सुबह उठाया तो मेरे एकदम से मेरी स्पिरिट में ऐसे डैनियल डाल दिया कि मैं उसको अभी भी महसूस कर सकता हूं, उस डैनियल डालने वाली फीलिंग को। मैं नहीं जानता ये बातें मुझे बतानी चाहिए कि नहीं आपको, लेकिन 2018 जितनी बार मैं एंजल्स के साथ मिल चुका हूं, मैं कभी नहीं मिला लाइफ में। और मैं आपको पूरी बात अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सचमुच परमेश्वर असली है, उसके दूत असली हैं, और सपने में उसका टच भी असली है, वो बात भी असली करते हैं। सुनो, वो सब मेरी पर्सनल बातें हैं परमेश्वर के साथ। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब 18 मीटिंग्स करने के बाद मैंने बोला था परमेश्वर मैं बॉडी में थक गया हूं, तो एक एंजल आया था मेरे सपने में और उसने मुझे कहा उठ, और मैं उठा, उसने कहा जिम कर, और मैं सपने में जिम कर रहा हूं, और जब मैं उठा तो ऐसा लग रहा था कि कौन सी मीटिंग की है मैंने तो करनी है अभी। और वो ऐसी चीज थी जो कोई टॉनिक खत्म नहीं कर सकता था, क्योंकि लगातार मीटिंग और उसका असर था बॉडी के ऊपर। लेकिन एक रात में एक टच आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। इसलिए पिछले संडे मैंने गवाही सुनी थी कि एक बंदा जो जिसका खाना पानी डॉक्टर ने बंद कर दिया था, और वो कितने महीनों से वो लिक्विड ले रहा था, और जब मैं उसके सपने में गया और मैंने उस उंगली डाली उसके गले के अंदर, तब से वो खा रहा है। सुनो, वो मैं नहीं था, वो कौन था? परमेश्वर का दूत था जो अपने लोगों की शक्ल में जाता है हमेशा। आज सुबह परमेश्वर का दूत मेरे विजन में आया जब मैं सो रहा था, एक परमेश्वर के दास के रूप में, और उसने मुझे बताया कि आज के बाद तेरी चर्च में जितने काम हो उसकी महिमा परमेश्वर को देना। और वो दूत मुझे समझा रहा था क्लियर पंजाबी में, हिंदी में, और मुझसे वो बात कर रहा था दूत। और जब मैं सुबह उठा तो मुझे समझ आया कि दूत मेरे सपने में आया और उसने मुझे समझाया कि मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि वो इसीलिए, क्योंकि हम जानते हैं, मैं क्रूसेट पे भी बताता हूं कि जितनी गवाहियां आप सुन रहे हो ये मैंने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने किया। हाँ, इसका मतलब ये है, आज वो फिर मुझे आके रिमाइंड करवा रहा है कि तूने ऐसा ही करना है, क्योंकि जो कि जो अब होने जा रहे वो उससे ग्रेटर होगा जो पास्ट में हुआ है। तो मैं जानता हूं, मैंने सोचा कि क्यों दूत ने मुझे ऐसा कहा जबकि मैं ऑलरेडी ऐसा कर रहा हूं,
तो उसने मुझे ऐसा आगे क्यों बोला कि सारी महिमा परमेश्वर को देना, तब मैं समझ गया कि ठीक है, पर मुझे रेडी कर रहा है कि जब और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टेस्टिमनी जब आए तो मैं रेडी रहूं जो अब कर रहा हूं वही करने के लिए, ताकि मैं इधर उधर ना हो। दूत किसी के सपने में भी आ सकता है, लेकिन आपकी स्पिरिट का पलड़ा अगर भारी है तो वो आपको सपने में विजिट करते हैं। मोस्टली क्रिश्चियन लोग, अगर आप मेडिटेशन जानते हैं, वो मेडिटेशन नहीं जो अन्य जातियां करती हैं, जो ऐसे हाथ रख के, वो मेडिटेशन नहीं, जो बिब्लिकल मेडिटेशन, जो इजहाक ध्यान लगाता था वचन के ऊपर। ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं एक वचन को बार बार बोलना, ध्यान लगाने का मतलब मैं आपको बताता हूं क्यों परमेश्वर ने कहा दानियल पढ़ और दानियल का जीवन मुझे दिया, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता था कि मैं सुबह दोपहर रात को तीन टाइम परमेश्वर के सामने जाऊं रोज। होली स्पिरिट ने इसीलिए मुझे दानियल पढ़ने के लिए नहीं बोला, उसने मेरे दिल में छाप दिया। एक दिन सुबह उठा, मुझे मालूम था कि मैंने कल दानियल नहीं पढ़ा, या मुझे दिमाग ने याद करवा दिया, या मैंने एक महीने पहले दानियल नहीं पढ़ा था कि मुझे दिमाग ने याद करवा दिया, या मैं इसके बारे में स्टडी नहीं कर रहा था कि मुझे मेरे माइंड ने रिमाइंड करा दिया, कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन सीधा पवित्र आत्मा ने ठाक ऐसे आवाज आई, दानियल, दैट्स इट। और जब वो पढ़ना शुरू किया मुझे समझ आया क्यों वो सुबह दोपहर और शाम को परमेश्वर की हुजूरी में जाता था। मैं आपको बताता हूं क्यों जाता था। अगर आप ये चाहते हो आपकी लाइफ की बिगेस्ट डिलीवरेंस आपको सपने में, आपको विजन में मिल सकती। मेरी लाइफ की पहली डिलीवरेंस मेरे विजन में, मेरे सपने में हुई थी। मैं 20-20 मिनट प्रार्थना करता था, 20-20 मिनट तीन टाइम रोज, और 20 मिनट प्रार्थना करने में भी तीन बार घड़ी देखता था मैं, यार होया नहीं टाइम, ले 15 हो गए, 18 हो गए, वो 2 मिनट रह गए थे, 20 मिनट प्रे करके यहां निकलना बाहर के, जितना मैं पूरी दुनिया में थल्ले दब लेनी है। हाँ, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तेरा केस भारी है तो तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। बाइबल पढ़ रहा था एक दिन, उसमें लिखा है मेरे प्रिय भाइयों ही आप बांधो दृढ़ रहो, तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। आप ये गवाही मेरी सुन चुके हो। रोजे रखने शुरू किए, एक बार 40 रोजे, दूसरी बार खत्म हुए, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, पता नहीं कितनी बार 40 रोजे एक साल में लगातार रखे, और उन 40 रोजों में परमेश्वर के दास के रूप में दूत मेरे पास आया, और तब से लेके आज तक 14 साल 13 साल हो चुके हैं, वो अटैक वापिस नहीं आया। लेकिन परमेश्वर ने पहले मुझे मेडिटेट करने में लगाया। मैं आपको बताता हूं क्यों परमेश्वर ने मुझे यह कहा कि दानियल, क्योंकि जब आप सुबह प्रेयर में जाएंगे, दोपहर प्रेयर में जाएंगे, रात प्रेयर में जाएंगे, आपकी स्पिरिट ऐसी बन जाएगी जो अट्रैक्ट करेगी एंजल्स को। एंजल्स उन लोगों की लाइफ में एंटर कर पाते हैं जिन लोगों की लाइफ में रोशनी होती है परमेश्वर के वचन की, और दूसरा जिन्होंने ध्यान लगाया होते हैं हर वक्त परमेश्वर के वचनों के ऊपर, और वो वही व्यक्ति कर सकते हैं जो स्टपनी की तरह प्रेयर यूज ना करता हो, बल्कि वो ध्यान लगाता हो परमेश्वर के ऊपर। मैं नहीं जानता ये वचन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि नहीं आ रहा, ये थोड़ा गहरा है, ध्यान से समझना। मैं अभी तो पहुंचा नहीं हूं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। समझ आई कि नहीं आई? ये डिलीवरेंस वीक है और ये वर्ड आपको डिलीवर करेगा, आप देखना। आप नोटिस करो, आप सर्वे करो, जो लोग टीवी कम देखते हैं उनको एंजल ज्यादा मिलेंगे सपने में, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब वो वाइज मैन, जब परमेश्वर का तारा जो आगे आगे चल रहा था, लिखा जब वो हेरोदेस के पास चले गए वो तारा गायब हो गया था, लिखा जब वो हेरोदेस के घर से निकले वो तारा फिर उनके आगे आगे चलने लगा। हाँ या ना? आप जानते हैं आपका एंजल जो आपको दिया गया, बाइबल के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग दूत थे जो परमेश्वर की परीक्षा के टाइम में उसको ताकत देते थे, अंदरूनी ताकत, शारीरिक ताकत देते थे, और बाइबल कहती है स्वर्ग दूत जो है वो उद्धार पाने वाले लोगों के लिए आत्माएं हैं जो आपकी सेवा के लिए दी जाती हैं। आप अपने स्वर्ग दूत को एक्टिवेट नहीं कर सकते अगर आप शारीरिक इंसान हो और आपका शरीर वाला पलड़ा भारी है। अगर आपका शरीर वाला पलड़ा भारी है तो स्वर्गदूत आपकी लाइफ में रहते हुए भी एक्टिवेट नहीं हो सकता,
जिस तरह आपका सिम एक्टिवेट नहीं है जब तक आप उसको मोबाइल में ना डालो। बहुत सारे लोगों की डिलीवरेंस जो है वो परमेश्वर सपने में करता है, उनके उनके विजन्स में करता है, लेकिन वो होती नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना दरवाजा जो सपने में आने का है, विजन्स में आने का है एंजल्स का, वो बंद किया हुआ। क्योंकि आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रात को आप 4 घंटे की पिक्चर देख के सो रहे हो और स्वर्गदूत आपके सपने में आ रहे हैं, या 4 घंटे आप लड़के सो रहे हो या ब्लू फिल्म देख के सो रहे हो और सोचो कि स्वर्गदूत आएगा मेरे सपने में। वो नहीं आएगा, डेवल का दूत आएगा।